हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, मौलाना मजहरुल्लाह कारपी क्यों फारसी यूनिवर्सिटी का जो मैं आपको एमबीए और पीजी के एडमिशन 2022-24 सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जैसे आपको एमबीए करना है या पीजी करना है, जैसे एमए उर्दू या एमए से पर्शियन या इंग्लिश से या एजुकेशन से या आपको जर्नलिज्म करना है, तो ये सारी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत से बच्चों का ये कमेंट रहता है कि जो फ्रेंड आपका लाइब्रेरी साइंस का जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जाएगा, या आपका जो लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इससे अभी संबंधित कोई भी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना कोई हमको मिलता है तो ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर वही सारी जानकारी जो दी गई है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लास्ट डेट जो है आपका 30 जुलाई तक है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आप एमए में उर्दू से, पर्शियन से या अरबिक से या आपको इंग्लिश से या एजुकेशन से करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने होंगे। इसके लिए वेबसाइट पर आपको लिंक आ चुका है ऑनलाइन करने के लिए। और यहाँ पर दिया गया है कि जैसे एमबीए अगर करना चाहते हो तो एमबीए के लिए टोटल सीट की बात करें तो 60 सीट है जिस पे एडमिशन होगा एमबीए में, और आपको 40 सीट है जो कि जैसे कि आप उर्दू से एमए करना चाहते हैं तो आपको 40 सीट है, पर्शियन के लिए भी 40 सीट है, तो इसलिए पीजी में जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होगा उसके लिए 40-40 सीट रखे गए हैं। अगर एमबीए में एडमिशन होगा तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देना होगा, उसको पास करने के बाद ही आपका नामांकन होगा। जबकि अगर आप पीजी करना चाहते हैं उर्दू से एमए या उर्दू से इंग्लिश से या पर्शियन से, तो उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया देना पड़ेगा, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद मेरे हिसाब से आपको एडमिशन लिया जाएगा। तो ये जानकारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो आपको नए एकेडमिक भवन बना है मौलाना मजहरुल्लाह अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नया भवन बन गया है, जिसके में आपको सारी सुविधाएँ हैं, जैसे आपको लाइब्रेरी है, वहाँ पर छात्रावास है, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्पेशल 200 बेड का आपको छात्रावास बनाया गया है। तो ये सारी सुविधाएँ पीजी के स्टूडेंट को भी मिलेगा और पहले से भी छात्र रह रहे हैं, और इस पर हम आपको पहले ही पोस्ट किया था टेलीग्राम पर। तो फ्रेंड, एक और बात है कि बहुत सी जानकारी जो है हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, अभी कुछ वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो जो भी जानकारी होता है तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाए कि जो भी न्यूज़ हो हम आपको वहाँ पर देते रहेंगे अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही नहीं, आपको वेबसाइट के माध्यम से भी आपको चलते हैं दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि हम और ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट में बात करें तो अभी तो कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है किसी तरह का, पर रिजल्ट आलिम पार्ट 3 के रिजल्ट के बाद कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पर आते हैं तो देख सकिएगा कि जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ है यहाँ पे आपको लिंक चलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले जो क्लिक हियर अप्लाई पीजी और एमबीए कोर्स, तो इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर ही शो कर रहा है पीजी और एमबीए के एडमिशन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, जैसे ही इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, तो जैसे ही वेबसाइट काम करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और जैसे कि देख सकते हैं ये आपको नोटिस भी जारी किया गया है 6/7/2022 को, यहाँ पे वही सारी जानकारी दी गई है कि 30/7/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की भी सुविधा दी गई है, यानी कि 100 बेड आपको लड़के लिए और 100 बेड लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर लिंक ये जो दिया गया इसी के माध्यम से आपको यूजर और पासवर्ड बनाकर आपको अप्लाई करना है, कितना पैसे लगेंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है कि आपको कलरफुल फोटोग्राफ और पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डालना है, ये सारी जानकारी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है ईमेल आईडी, इसके माध्यम से आप मौलाना मजहरुल्लाह के, तो इस पर जाकर आप पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।